बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी सारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे कि HEC ने टेस्ट अनाउंस किया यू सेट, और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर आपने BS मैथ में, BS फिजिक्स में, BS जियोग्राफी या किसी भी BS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो क्या इस टेस्ट को पास करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो HEC ने सडनली टेस्ट इसको अनाउंस कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरह की अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी इसको अभी अडॉप्ट करना है कि नहीं करना। तो यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब अपना एडमिशन अनाउंस करती है तो उसके साथ उसकी क्राइटेरिया लिखा होता है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्या है, कितने मार्क्स किस प्रोग्राम में कितने मार्क्स होने चाहिए और कौन से वाला टेस्ट पास होना चाहिए। जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, जनरल सब्जेक्ट हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, एग्रीकल्चर है, BZU है, तो यहाँ पे इनमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। जैसे हम सब्जेक्ट ले लें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, BScS, इनके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ टेस्ट कंडक्ट करती हैं, जैसे BSIT है, उसके लिए एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता है। इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम हैं उनके लिए एक टेस्ट कंडक्ट होता है, मेडिकल्स का प्रोग्राम उनके लिए टेस्ट कंडक्ट होता है, फार्मेसी अगर कुछ करना चाह रहा है उसके लिए यूनिवर्सिटीज टेस्ट कंडक्ट करती हैं, और जो LLB है उसके लिए जो बल्कि हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया हुआ है जिसके बाद जो भी LLB में एडमिशन लेता है उसके लिए जो एक टेस्ट पास करना यूनिवर्सिटी का ज़रूरी होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये टेस्ट कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो ये हो सकता है ज़रूरी हो, जैसे लॉ के लिए, फार्मेसी के लिए, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ इसके बगैर एडमिशन नहीं करेंगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, इसके बगैर एडमिशन होगा। वैसे अदरवाइज देखें सितंबर में टेस्ट होगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ तो अभी एडमिशन का प्रोसेस में जा रही हैं और किसी ने अपने एड में इसके बारे में नहीं कहा हुआ कि ये टेस्ट होने चाहे हमें रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर। तो कल पंजाब यूनिवर्सिटी के में भी एक मीटिंग हो रही है जिसमें ये डिसाइड वो उनके जो एडमिशन कमेटी सारी डिसाइड करेगी कि हम इस एडमिशन को किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर के लिए लेंगे, अगर क्या इस एडमिशन टेस्ट को जो यूसेट टेस्ट है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे अभी के नहीं करेंगे। तो आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो दे लें, इसमें ये हो सकता है फर्दर कोई स्कॉलरशिप अगर आए तो उसमें इसको कोई वेटेज मिले स्कॉलरशिप की फॉर्म के टर्म्स में, बट एडमिशंस में एज सच अभी कोई ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज इसको अडॉप्ट कर सकती हैं बट ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि HEC की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने जो सर्विस अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट का टेस्ट कंडक्ट कर सके, और यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों को टेस्ट एडमिशन दें जो कि ये टेस्ट पास करें। तो टिल नाउ यूसेट टेस्ट इज नॉट नेसेसरी, इसके बगैर एडमिशन होगा, मगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने अगेन वो कह देता हूँ जो LLB है, फार्मेसी है, IT है, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट कंडक्ट करती है इनमें एडमिशन देने के लिए, वो हो सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।